फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12X Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की वाईफाई की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन के वाईफाई में प्रॉब्लम आती है तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप होता है इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये वाला ऑप्शन आपको टैप करना है। अगले पेज में आपको सबसे ऊपर ये इंस्टॉल्ड ऐप पे टैप करेंगे तो आपका यही पेज रहेगा। इस पेज में आपको जो है ना नीचे आना है, ठीक है ना। नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन देखने को मिलता है मेटा सर्विस में, आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला ऑप्शन मिलता है मेटा सर्विस, इसे टैप करना है, ठीक है। इसके अगले पेज में स्टोरेज का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा तुरंत जीरो हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। अगला काम ये करना है, बैक पेज पे जाना है, ठीक है। इसके भी बैक पेज पे जाना है, तो आपने जो मेटा सर्विस सिलेक्ट किया था ना, इसी पेज में आपको सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आपको एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है, स्टोरेज, ठीक है। अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। नीचे की साइड आपको ना ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब आपको जो है इस वाले पेज पे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका नीचे पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, आपका फोन जो है हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन की वाईफाई की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।